उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोरोना वायरस के फेल होने की पूरी उम्मीद है। अभी तक एक भी कोरोना का मरीज सुल्तानपुर में नहीं मिला है, जिसकी बड़ी वजह आधी आबादी की वो चार महिलाएं हैं जो दिन रात कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। शुरुआत सुल्तानपुर की डीएमसी इंदुमती से करते हैं, जिन्होंने कोरोना को मात देने में अहम भूमिका निभाई है। लॉकडाउन के बाद से डीएमसी इंदुमती एक्टिव हैं और जन सहयोग के बल पर कोरोना को मात दे रही। सुबह से लेकर देर रात तक कोरोना के खिलाफ उनका अभियान जारी है। दूसरे नंबर पर सांसद मेनका गांधी और उनकी टीम है, जो लोगों की मदद में जुटी है। हालांकि मेनका गांधी सुल्तानपुर में नहीं, लेकिन उनकी टीम फुल एक्टिव है। वहीं जिले की प्रथम नागरिक और जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह की सक्रियता भी काबिले तारीफ है। उषा सिंह ने लखनऊ छोड़कर अपने गांव में गनापुर बल्दीराय में डेरा डाल रखा है। उषा सिंह के इस कार्य में उनके पति शिव कुमार सिंह भी हाथ बटा रहे हैं। उषा सिंह लगातार लोगों को राहत सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं आपको? लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पहली बात तो इस संकट की घड़ी में सब लोग अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और हम लोगों की तरफ से भी और समाज की तरफ के लिए हम लोग जो भूखे प्यासे कहीं भी जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत से ऐसे परिवार हैं, दो चार परिवार गांव में 10 परिवार की, मतलब उनको कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए हम लोग राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके घर घर जाकर दिया जा रहा है। शासन प्रशासन भी लगा हुआ है, पूरी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जनपद में कोई ऐसा भूखा व्यक्ति न रहे, किसी भी कोने में हो मैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँगा। इस सब के बीच धमाकेदार एंट्री की है पूर्व मंत्री विनोद सिंह की बेटी पलक सिंह ने। पलक सिंह भी लोगों तक मास्क, सैनिटाइजर और राहत सामग्री पहुंचा रही है। फिलहाल लॉकडाउन में आधी आबादी का जलवा है, जिसमें ये चार महिलाएं सुर्खियों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।